नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी मजेदार मशरूम की रेसिपी। ये रेसिपी बिल्कुल नई है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वैसे तो मशरूम सभी को बहुत ही पसंद होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर आप इस तरीके से मशरूम बनाएंगे तो यह सभी की फेवरेट बन जाएगी। ये खास रेसिपी आप पार्टी त्योहार पर भी बना सकते हैं। तो चलिए इस नई रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने मशरूम ले लिया है। हमने जो ये मशरूम ली है, ये ग्राम के हिसाब से 400 ग्राम के करीब मशरूम है। अभी मैंने इसे वॉश नहीं किया है, पहले इसे मैं काट कर तैयार करूंगी। मैं इसे दो भागों में काट रही हूँ इस ढंग से, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी मशरूम हो, मैं सिर्फ दो भागों में काट कर तैयार करूंगी। हमने जो सारी मशरूम को काट कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने दो ग्लास के करीब पानी उबलने रख दिया था एक पतीले में। पानी में उबाल आ गया है, जो हमने मशरूम काटी है वो इसमें डाल देंगे और गैस को हमने मीडियम कर देना है, हाई मीडियम। इसको हमने 2 मिनट के लिए उबाल लेना है। इससे क्या होगा, जो मशरूम है थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी और साफ भी हो जाएगी अच्छे से। खुले में उबालना है, ढकना नहीं है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका जो पानी है कितना गंदा हो चुका है। अब एक छन्नी से हम इसका अच्छे से पानी झाड़कर इसको एक डोंगे में निकाल लेते हैं। हमने जो मशरूम को बाउल में निकाल लिया है, अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून ही डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और 3 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच दही। ये कम खट्टा दही है, ज्यादा खट्टा नहीं है। अब इसे चम्मच से नहीं अच्छे से मिक्स होगा, ये हाथों से अच्छे से मिक्स होगा। इस ढंग से मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म करने रख दिया था। जब ऑयल तेज गर्म हो जाए तो गैस को मीडियम कर देंगे और इसमें ये मशरूम जो हमने तैयार करके रखी है वो डाल देंगे। मशरूम को हमने अलटते पलटते हुए थोड़ा करारा होने तक फ्राई कर लेना है। ये हो गई है, इसे करने में हमारे 2 मिनट लगे हैं, हमने ज्यादा नहीं करना। अब इसको ऑयल झाड़कर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ले लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, मैंने ली थी 7 कलियां लहसुन की, उसको बारीक काट लिया था वो डाल रही हूं। हमने लहसुन को भी थोड़ा सा चला देना है, इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये हो गया है, मैंने लिया था 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे पतला पतला लंबा लंबा काट लिया था वो डाल रही हूं। इसके साथ ही मैंने ले ली थी 2 हरी मिर्चें, उसे बीच में से स्लिट कर छोटे टुकड़ों में काट लिया था वो डाल रही हूं। मैंने ली थी 1 प्याज, उसको लंबे ढंग से काट लिया था वो डाल रही हूँ। प्याज को हमने ज्यादा नहीं भुनना, सिर्फ 2 मिनट के लिए भुनना है। ऐसे ही चलाते हुए प्याज हमारी हो गई है। मैंने ले ली थी 1 शिमला मिर्ची, उसको लंबे ढंग से काट लिया था, ये थोड़ी बड़ी वाली शिमला मिर्ची थी। अब जो ये शिमला मिर्ची है इसको भी हमने 1 मिनट के लिए भून लेना है मीडियम गैस पर। ये 1 मिनट हो चुका है शिमला मिर्ची को भूनते हुए। मैंने ले लिए थे 2 टमाटर, उसको भी लंबे ढंग से ही काटा था वो डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने ले ली थी 2 ग्रीन प्याज, उसका जो व्हाइट वाला पार्ट है उसे भी काट लिया था, जो उसका ग्रीन वाला पार्ट है उसे भी काट लिया था। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, वो डाल रही हूँ। सिर्फ 2 ही प्याज ली थी मैंने ये, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और 1 मिनट के लिए भून लें।
ये हो गया। अब इसमें डाल देंगे नमक, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है जो कम तीखी होती है, बहुत अच्छा कलर आता है इसका। अच्छे से मिक्स कर दें। ये मिक्स हो गया। अब ये सब चीजें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, तो इसको मैं ढक दूंगी लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए। ये 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले हम इसे थोड़ा सा चला देंगे। हाँ, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस। आप चाहें तो रेड चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे इसमें सोया सॉस। वन टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो केचप। ये जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर दें सब चीजों को पहले। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून सफेद वाली तिल। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके खट्टेपन के लिए मैंने लिया था 1/2 नींबू, उसका रस निकाल लिया था, वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो विनेगर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर दें। आपने देखा मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। अब इसमें डाल देंगे मशरूम। गैस को मीडियम करकर इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया। अब गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले से हम थोड़ा सा चला देंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इस ढंग से मशरूम बनाएंगे, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।